जबलपुर दौरे पर रहेंगे। प्रातः 11:30 बजे जबलपुर रवाना होंगे और जबलपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की विभिन्न बैठकें लेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर पहुंचेंगे और कोरोना नियंत्रण स्थिति का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो 11:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के लिए रवाना होंगे। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास से पहले ट्वीट भी किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जबलपुर प्रवास के दौरान कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मेरे निर्देश हैं कि आप मुझे एयरपोर्ट लेने और छोड़ने ना आए। हम निर्धारित बैठकों में मिलकर कोविड-19 संक्रमण की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। बैठकों के दौरान भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। मेरे ये भी निर्देश हैं कि कारकेट में निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य कोई गाड़ी ना रहे। मेरा जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आप लोग भी एयरपोर्ट ना आए। निर्धारित बैठकों में आपसे मिलकर चर्चा होगी। मेरा कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि हमारी जरा सी चूक कोरोना संक्रमण को बढ़ाने लगती है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि मिलने के अनेक अवसर आएंगे, हम आगे मिलेंगे। आप सभी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी शोएब लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर रहेंगे, कहा जा रहा अधिकारियों के साथ बैठकर कोरोना स्थिति पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल संचिता, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर प्रवास दौरा है और जिस तरह से अगर बात की जाए तो 11:30 बजे वो जबलपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस दौरे में खास बात यह है कि जिस तरह से काफ़ी गंभीर और संजीदा यहां पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना के संक्रमण को लेकर ये बैठकें होनी है और क्या स्थिति है जबलपुर में कोरोना के संक्रमण को लेकर, तो अधिकारियों से यहाँ पर फीडबैक लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जो प्रोटोकॉल होता है सीएम का, तो उसका पालन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से सीएम ने ट्वीट कर यहाँ जानकारी दी है और कहा कि एयरपोर्ट जब वो पहुंचेंगे जबलपुर, तो कमिश्नर हो या कलेक्टर हो या एसपी हो, तो उनको एयरपोर्ट पर लेने ना आए। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं से भी अपील की गई है कि वो भी वहां पर ना पहुंचे, ना ही जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। निर्धारित जो बैठकें होंगी और जो समय होगा उस समय पर ही उनसे मुलाकात की जाएगी, क्योंकि संक्रमण जो है वो काफी तेजी से फैल रहा है और अब जो है सिर्फ कार्केट में जो लोग रहेंगे, जितनी गाड़ी रहेंगी वही रहेंगे, उसके अलावा कोई भी निर्धारित गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं रहेगी। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार देखिए पूरे प्रदेश भर की समीक्षा में बैठक ले रहे हैं, जिलेवार बैठक ले रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग शहरों में जाकर दौरे भी कर रहे हैं। जबलपुर दौरा और संक्रमण को लेकर क्या स्थिति वहां पर है और क्या आने वाले समय जो संक्रमण उसको कम करने के लिए किस तरह से निपटा जा सकेगा, तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन गंभीरता आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन फिलहाल नहीं किया जाएगा। और कारकेट की यहां पर बात करें तो जो निर्धारित गाड़ियां हैं उन्हीं निर्धारित गाड़ियों के साथ ही मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठक होंगी वहां के लिए रवाना होंगी। उसके अलावा जबलपुर का कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कार्यकर्ता हो पार्टी का या कमिश्नर, कलेक्टर या एसपी हो, वहां पर मौजूद नहीं रहेगा, ना ही उनको छोड़ने जाएगा, ना ही उनको लेने एयरपोर्ट आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए शोएब, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि भीड़ ना लगाएं और कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, उसी का उदाहरण आज इस तरीके से पेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद कर रहे हैं कि तमाम अधिकारियों को आवभगत के लिए ना बुलाते हुए कोरोना गाइडलाइन में का पालन करते हुए का विशेष आग्रह यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद किया है। इसकी शुरुआत, इसकी पहल भी वो खुद कर रहे हैं सीएम शिवराज। बिल्कुल देखिए एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर सीएम ने पेश किया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से
हर जिले की यहाँ पर बात किया तो या जहाँ पर भी प्रवास दौरा रहता है सीएम का, तो वहाँ के जो एसपी या कलेक्टर या जो अधिकारी रहते हैं वहाँ उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँचते हैं। कारकेट की यहाँ पर बात किया तो एक बड़ा कारकेट नज़र आता है। उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो भी वहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सीएम लगातार अपील कर रहे हैं प्रदेश की जनता से या अधिकारियों से कहीं पर भी भीड़ ना लगाई जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो बिल्कुल अब एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर सीएम ने दिया है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की बात किया तो अभी भी 11,000 से 12,000 जो हर रोज़ मरीजों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है। रिकवरी रेट भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो संख्या है उसमें कमी नहीं आ रही है। फिलहाल हर तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरी लहर आने का है और जिस तरह से उसके लेकर भी विशेषज्ञों ने जिस तरह से राय दी है कि बच्चों को किस तरह की स्थिति वहाँ पर ना हो सके, तो उसकी भी तैयारियों में जो है सीएम जुटे हुए हैं। फिलहाल हर जगह की स्थिति जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो या बेडों की अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, तो उनसे किस तरह से निपटा जा सके व्यवस्थाओं को लेकर, वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो फिलहाल अधिकारियों से भी आज चर्चा की जाएगी, समीक्षा जो बैठकें होंगी जहाँ जहाँ बैठकें की जाएंगी उसमें निर्धारित। आपने कहा कि तीसरी लहर का खतरा भी कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित मासूम बच्चे होंगे, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि अभी बच्चों के लिए किसी प्रकार की वैक्सीन या किसी प्रकार की दवा भी अभी नहीं आई है। ऐसे में सरकार के सामने और स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौतियां भी होंगी, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी आज महत्वपूर्ण बैठक की जा सकती है, बैठक में चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, अब सीएम ने तीसरी लहर को लेकर भी अब चर्चाएं शुरू कर दी और एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है संचिता, लेकिन देखिए तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से 360 जो आईसीयू बेड हैं वो तैयारी की जा रही है तीसरी लहर को लेकर। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो 10,000 हैं वो बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है कि इसका असर जो छोटे बच्चे हैं उन पर हो सकता है और पहले से तैयारियां सरकार को करना है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी केंद्र सरकार से पूछा कि आपके सामने क्या तैयारियां तीसरी लहर को लेकर, अब बच्चों में अगर कोरोना का संक्रमण फैलता तो किस तरह से उसको रोका जाएगा। तो केंद्र की तरफ से भी गाइडलाइन है सभी राज्य सरकारों को और अब जो है तैयारियां तीसरी लहर को लेकर भी की जा रही है। फिलहाल अभी भी चुनौती यहाँ पर कोरोना की सरकार के सामने और किस तरह से उसे निपटा जा सके तो हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है। बिल्कुल शोएब, चुनौतियां हैं, सरकार इससे निपटने के लिए तैयार भी है, लेकिन आज की बैठक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने निकल कर आते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए।